मेरे फेस का खुशी दिख गया। गाइस मेरे फेटे का कमिटमेंट बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आके। सो हाय एवरीवन, तो आपको मेरे फेस का खुशी दिख गया होगा। मैं खुश इसलिए हूँ कि मैं बाहर जा रही हूँ, खुद की मर्जी से जा रही हूँ एंड कोई हॉस्पिटल नहीं जा रही फिलहाल मैं। बिकॉज मैं जब भी अभी तक मैंने कहीं भी गई हूँ तो हॉस्पिटल से या फिर मेडिकल चेकअप के लिए ऐसी हूँ, बट अभी मैं फिलहाल खुद के लिए ऐसे बस बाहर कुछ खाने जा रही हूँ अपनी बहन के साथ। बोला ना कि कुछ ला दो खाने के लिए, मियो और से ला दो, कुछ वेज ही ला दो, नॉनवेज तो खा नहीं सकती, पूजा चल रहा है। तो उसने कहा कि दी हमेशा मैं ला देती हूँ, आज तुम चलो मेरे साथ टोटो बुक करो, थोड़ा सा देख लूँगी अच्छा लगेगा तुमको भी। तो मैंने भी कैसे कहा कि हाँ यार बहुत टाइम हो गया, मैं कहीं निकली नहीं हूँ, मतलब बाहर का माहौल नहीं देखा है, तो मैं अभी निकल रही हूँ घर से बाहर एंड बने रहना साथ में। तो मैंने ये आउटफिट पहन के अभी बहुत सारे पिक्स क्लिक किए और बहुत ऑसम पिक्स आए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप सबको शायद अच्छा लगेगा। तो मैं इंस्टाग्राम पे ज़रूर पोस्ट करूँगी, फेसबुक पे पोस्ट करूँगी, तो आप लोग जाके ज़रूर देखना और कमेंट करना कि मैं कैसी लग रही हूँ। बिकॉज मेरे फेटे के कमेंट्स करना, ओके क्रेडिट इसको देना बिकॉज इसने क्लिक किया है। हाँ और नन से क्लिक की हूँ यार। तो मैं भी निकल गई हूँ और मैं जा रही हूँ फोटो लेने के लिए, लग रहा है बाहर आके। तो इस टाइम पे मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ। ये लाइटनिंग्स देख के मेरे को बहुत खुशी मिल रहा था कि एट लास्ट मैं घर से बाहर निकल चुकी हूँ। और घर से निकलने से पहले ना मम्मी बोल रही थी कि मैं चलती तुम्हारे साथ या फिर दीदी को ले लो, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम ऐसे बिजी रोड में जा रही हो, तुम खुद को मैनेज कर पाओगी कि नहीं। पर मेरे को ऐसे था ना कि अगर मैं आज नहीं निकलूँगी ना तो हमेशा डर बना रहेगा और मैं कभी नहीं निकल पाऊँगी। तो मैंने रिस्क लिया और मैं निकली और मैं सेफली मैं पहुँची, मैंने रोड भी क्रॉस किया तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं पहुँच गई। ऐसे तो मैं ज्यादा कहीं जा नहीं पाई, बस मैं यहाँ पे आई, कुछ खाया पिया एंड फिर यहाँ से निकल गई। बट इतना ही बहुत काफ़ी था मेरे लिए, क्योंकि जो डर था ना मेरे अंदर कि मैं निकल पाऊँगी कि नहीं, बिजी रोड में जा पाऊँगी कि नहीं, कहीं गिर तो नहीं जाऊँगी, तो वो डर मेरे अंदर से आज निकला। अभी भी है बट एक होता ना कि थोड़ा सा वो कम हो गया मेरे अंदर से। और मैं जितनी देर घर से बाहर थी ना, सब लोग बहुत टेंशन में थे घर पर कि मैं सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ कि नहीं, पर गुंजन मेरे साथ थी और सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मैनेज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। जैसे घर पहुँची ना तो मम्मी बहुत इमोशनल हो गई थी कि मैं फर्स्ट टाइम इतने दिनों बाद मैं कहीं बाहर गई थी और फिर मैं वापस घर आ गई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो उनको ऐसा होता है ना, वो खुशी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो लोग खुश हैं मेरे को लेकर। सो मैं घर आ गए और मुझे बहुत ऑकवर्ड लगा, ऐसे मैं गई वापस आई, मुझे बहुत ऑकवर्ड सा लग रहा था, बट सच बोलो तो मुझे बहुत अच्छा भी लगा एंड थैंक्स टू हर कि मेरे को लेकर गई एंड इसने मुझे बोला कि नहीं चलो चलो जाओ, तो इसकी जिद की वजह से मैं गई हूँ बस। तो थैंक्स टू हर ऑल्सो।